मैंने कहा अगर आमीन करके रिसीव कर रहे हो तो राइट नाउ उस नशे की आत्मा के ऊपर गुस्सा करो और डांटो, बोलो यीशु मसीह के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के जीवन में। कमांड करो गंदी नशे की आत्मा, बोलो आउट, से आउट, से आउट, निकल जाओ। बोलो अपने तुसी कुछ कहना चाहते हो? देखो भाई जी बेचारे रो रहे, 22 साल तो एक जानवर वरी की जिंदगी जी रहे सी, 22 साल तो 18 साल की एज सी जदों दी आप 40 साल जदों ही नशा करते सी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ? ਕੋਈ ਬੜੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਚਿੱਤੇ ਵਕਤ ਘਰ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਸੋਚੂਗਾ हालेलुया। इस ब्रदर जी का नाम धमिंदर सिंह है और जे कक्कड़ गांव के रहने वाले हो, इनके साथ जो इनके मैसेज हैं और जे बता रहे हैं कि जब इनकी एज 18 साल की थी उस समय से जे ड्रिंक का नशा कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जे नशा करते आ रहे हैं और अभी इनकी एज 40 साल हो गई है और जे बता रहे हैं कि 22 साल हो गए इनको नशा करते हुए, इनकी मैरिज के बाद भी जे नशा करते आ रहे, जे बताते कि इतना नशा करते थे सुबह के टाइम, जे बता रहे जब भी जैसे मॉर्निंग टाइम ही उठते ही जो नशा करना जो शुरू करते थे और नशे की हालत में जो अपने काम पर जाते थे, इनका काम पेंट का काम करते और जो बता रहे हैं कि जितने भी जो पैसे लेकर आते थे वो ड्रिंक के नशे में जो से ख़त्म कर देते, वेस्ट कर रहे थे और जो बता रहे हैं कि जिसके कारण इनके घर में भी काफ़ी मुश्किल आ रही थी। जो बताते कि जब जो नशा नहीं करते थे कभी कहीं तो उस समय जो इनके जब मिसेज है इनके भी काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, इनको इनकी राइट साइड बाजू में काफ़ी समय से दर्द रहती थी, इन्होंने भी काफ़ी इलाज कराया पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। तो जो बता रहे कि जब जो पैसे नहीं थे ड्रिंक के नशे में नहीं थे खर्च करते तो उस समय बीमारियों में खर्च हो जाते थे, तो जिसके कारण जो रोज ही नशा करते थे। इनकी बेटी वो भी जब बता रहे कि 9 साल से लेकर उसकी एज 11 साल होगी, उसके भी पेट में दर्द रहती थी, उसका भी इन्होंने बहुत ही इलाज कराया पर उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, जिसके कारण जो पूरी फैमिली बहुत ही परेशान थी, घर के हालात भी काफ़ी सही नहीं थे, पैसों के कारण जो बहुत परेशान थे। पर जैसे ही परमेश्वर की गुड न्यूज़ इन्हें मिली और जैसे इन्होंने फर्स्ट संडे पिछले संडे मीटिंग को अटेंड किया तो जब इनको उत्साहित किया गया, जो विश्वास किया, क्योंकि जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे परमेश्वर के बारे में कि कैसे विश्वास करते, पर इन्होंने जब इनको गुड न्यूज़ मिली थी तो जिस ब्रदर ने इनको थोड़ा उत्साहित किया था, तो जैसे इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया तो जब परमेश्वर के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो आपके बच्चों से, आपके परिवार से, आपके हस्बैंड से, आपके घराने से चली जाए राइट नाउ, चली जाए यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा चली जाए, मैंने कहा चली जाए राइट नाउ, वो चली जाए, आप सेम ना रहो आज। मैंने कहा अगर आमीन करके रिसीव कर रहे हो तो राइट नाउ उस नशे की आत्मा के ऊपर गुस्सा करो और डांटो, बोलो यीशु मसीह के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के जीवन में। कमांड करो गंदी नशे की आत्मा, बोलो आउट, से आउट, से आउट, निकल जाओ। बोलो अपने को उत्साहित किया गया टीम ने भी कि आप ऐसे रिसीव करें और जो विश्वास कर रहे थे कि परमेश्वर हमें इस प्रॉब्लम से फ्री कर चुके। तो जो ब्रदर जी बता रहे कि जैसे जो संडे की मीटिंग अटेंड कर घर गए तो उस दिन रात के समय इनका ड्रिंक करने को बिल्कुल भी मन नहीं किया,
संडे मंडे ट्यूसडे तीन दिन बीत गए थे, इन्होंने बिल्कुल भी ड्रिंक को हाथ तक नहीं लगाया, बिना ड्रिंक के जी अपने काम पर भी जा रहे थे। और जो बता रहे हैं कि परमेश्वर की सामर्थ ने उसी दिन ही इस ब्रदर जी को छुआ था और कोई भी इन्होंने उस दिन से नशा नहीं किया, पर नेगेटिविटी दुष्ट आत्मा ने इनके जीवन में एक और हालात लेकर आ गया और तीन दिन बाद इनके पेट में बहुत ही भयानक दर्द शुरू हो गई, जिसके कारण इनको लूज मोशन की प्रॉब्लम हो गई और जे काफी परेशान हो गए। उस दिन इनसे काम पर भी नहीं जा रहे क्योंकि इतनी दर्द थी, जे चल भी नहीं सकते थे। फिर जैसे इन्होंने टीम के साथ बात की, टीम ने और भी इनको उत्साहित किया कि परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत ही बड़ा काम किया, आपने डरना नहीं, विश्वास करना है, परमेश्वर आपको अच्छा कर चुके। इनको वचन बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से, मार खाने से आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपको इस प्रॉब्लम से अच्छा कर चुके। और जैसे इनको उत्साहित किया गया, जो विश्वास किया, इन्होंने प्रार्थना की, तो जो बता रहे कि उसी दिन ही परमेश्वर ने इनकी जो प्रॉब्लम थी लूज मोशन की, पेट में दर्द थी, उससे तो इनको फ्री कर दिया। पर जो बता रहे कि उसके अगले दिन फिर से इनके पेट में दर्द हो रही थी, हल्की सी दर्द हुई, तो इन्होंने फिर से परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, जो वचन इन्हें बताया गया इन्होंने उस वचन को याद किया, धन्यवाद किया। तो जो बता रहे जैसे जो रात के टाइम वॉशरूम गए, तो वॉशरूम राइज बता रहे कि बहुत ही बड़ी पत्थरी बाहर निकल आई, हम उस पत्थरी को देखेंगे। दिखाऊं, तो जो बता रहे कि उसी दिन ही जो इनके पेट की दर्द थी, परमेश्वर ने उस दर्द से भी इनको आजाद कर दिया। और प्लस जो इनके मिसेज के बहुत ही समय से इनके बाजू में दर्द होती थी, और जे बता रहे कि उस दर्द से उनको भी परमेश्वर ने आजाद कर दिया। और उस दिन से इनकी जो बेटी के पेट में दर्द थी, परमेश्वर ने पूरी फैमिली को ही इस प्रॉब्लम से आजाद कर दिया। और जे बता रहे कि उस दिन से परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह, परमेश्वर की शांति इनके घर में है। अभी मिलकर जे प्रार्थना भी करें और बहुत ही खुशी की परमेश्वर ने उसी दिन ही परमेश्वर की ग्रेस ने इनको छुआ। अभी जे कुछ भी ज्यादा परमेश्वर के बारे जानते नहीं है, पर परमेश्वर ने इनके मन के दौरान ही परमेश्वर ने अपनी दया को इनके जीवन में किया और आज परमेश्वर ने पूरी तरह से आज इनको फ्री कर दिया है। इस गवाही के लिए जे परमेश्वर, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते, हम सब जोर से अपने हाथों को उठाते उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। बड़े बड़े काम देखेगा तू, बड़े बड़े काम देखेगा तू, बड़े बड़े काम देखेगा तू, बड़े बड़े काम देखेगा। तुसी कुछ कहना चाहते हो? देखो भाई जी बेचारे रो रहे ने, 22 साल तो एक जानवर वर्गी जिंदगी जी रहे सी, 22 साल तो 18 साल दी एज सी जदों दी, अब 40 साल हो गए मैरिज तो पहले। और हमेशा अगर अपना कम करना है, कितनों को समझ आ रही है, तो ये ड्रिंक कर फिर नशा करके फिर अपना काम करते थे, और कितने सालों से ये चल रहा था। पर जब इन्होंने गुड न्यूज मिली, इन्हें सुसमाचार दिया, जिसने भी दिया परमेश्वर से भी बहुत बरकत देगा कि किसी की जिंदगी देखो कैसे जानवरों की जैसी जिंदगी वो जी रहा था। इसलिए जब तक हम किसी को नहीं बताएंगे तो लोग कैसे जानेंगे सच्चा खुदा कौन है, कौन देता हमें छुटकारा, और किसने इस संसार को अपने ब्लड से क्या दी है, जीवन दिया है देकर। समझ आ रही मेरी बात? तो ये आज रो रहे हैं कि क्योंकि
शैतान बुद्धि बंद कर देता है, आज इनकी बुद्धि खुल गई, आज इन्हें समझ आ रही है कि मैं ऐसे इतने सालों से क्या कर रहा था। और पूरा परिवार, इनकी मिसेस भी, समझ आ रही कितने दुखों से, कितने सालों से ये जिंदगी जी रहे थे बेचारे, बोले क्या ना कितनी बुरी हालत थी। और जब नशे से, नशे तो छूटे, शैतान ने दूसरी सांप तरफ अटैक कर दिया, पेट में बड़ी भयानक दर्द दे दी, ये जरे तड़फ रहे थे उस दिन, बोले क्या है। पर जैसे उस दिन भी प्रार्थना हुई, देखो कितनी बड़ी पत्थरी वॉशरूम के राही बाहर आ गई और खुदा ने डिलीवर कर दिया है। आज ना तो इनके मिसेस में कोई प्रॉब्लम है। आज कितने दिन हो गए आपको नशे की हुए, आज कितने दिन हो गए? नहीं, पिछले 8 दिन है, पूरा 1 हफ्ता 8 दिन हो गए कोई शराब नहीं पीती। जो 22 साल से जिसने एक भी नागा नहीं पाया, जो सुबह से शराब पीता था, आज पूरे 8 दिन हो गए आपके सामने खड़े, कोई नशा नहीं, कोई कुछ नहीं। बोल गए कि खुदा ने पूरी तरह इन्हें क्या कर दिया है, इस बड़े नशे की, उस दुष्ट आत्मा से जो इससे नशा करवाती थी, आजाद कर दिया है। इस बड़ी आजादी के लिए, बड़े चमत्कार के लिए, बड़े काम के लिए जोर से तारीफ कर दो, जोर से जोर। बड़े बड़े काम देखेगा तू, बड़े बड़े काम देखेगा तू, बड़े बड़े काम देखेगा तू, बड़े बड़े काम देखेगा। सुनो मेरी बहन, हम माइक दो इन्हें। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ? ਕੋਈ ਬੜੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 4 ਬੱਚੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਚਤੇ ਵਕਤ ਘਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਸੋਚੂਗਾ। बहुत ज्यादा दुखी सी। ये तेन फिर कोई कुछ पैसे भी देंदे हुंदे सी कि नहीं? कोई खर्चा नहीं, कोई शराब पी लेने, थोड़े बहुत दिन ने, बाकी सारा नशे से। और आप खुद मेहनत करते थे साथ? हाँ जी, नाल कर दे। देख लो, मंडी भी जाते रहे, तामी पी रिव नहीं लगता, तामी आ जाते ही। कितना टाइम हो गया तोड़ी शादी नो? शादी नो हो गया 10-15 साल, ज्यादा ही हो गए। 15 साल तो प्लस हो गया। हाँ जी, ज्यादा ही है। देखो, जिसकी जिंदगी ऐसे हो, जिसकी जिंदगी में 15 साल ऐसे गुजरे हो, एक भी दिन भी नहीं ना, एक एहो जा कोई दिन नहीं 15 सालों जिथे तुम सुख चैन दी, कोई रात सुते हो चैन दे नाल, पूरे 15 साल इदा ही गुजरे, देखो कितनी वड्डी गल। और आज खुदावंद ने इस परिवार नू, इस भरा नू, इस भैन नू किड्डे वड्डे बोझ तो आजाद करता है। ये खड़े होके तारीफ करने वाली गल है, खड़े होके तारीफ करो। यीशु ने छू लिया है जदों दा, यीशु ने छू लिया है जदों दा, यीशु ने छू लिया, जोर से हालेलुया बोलते हुए, यीशु ने छू लिया है जदों दा, 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 ਯਸੂ ਨੇ ਛੂ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ, 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 ਯਸੂ ਨੇ ਸਭ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਕੇ ਲਈ ਉਤਾਰੀ, ਯਸੂ ਨੇ ਛੂ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ,
हुण मेरी भैन तू लोगों नू दसना है कि सच्चा खुदा कौन है, किहड़े परमेश्वर ने मेरे पति नू इस गुलामी तो नशे की गुलामी तो आजाद किया है। हर जगह पर इन्हां दी गवाही अपनी गवाही और यीशु मसीह के नाम की महिमा करनी है। हर वो भैणा जिन्हां दे पति नशे विच ने उन्हां नू दसना है, बोलो की है, जिवें तेरे वर्गू और भी भैणा बहुत सारिया जिन्हां दे पति नशे करते हैं ना, वह भी बेचारे दुखी है ना, तो जाके अपने पिंड च जिथे भी किते है तेरे पेके परिवार च जिन्हिया भी भैणा दे पति नशे करते ने दुखी ने किसी भी चीज़ तो उन्होंने जाके दस कि सच्चा खुदा कौन है। यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं, वो जीवन बदल नहीं आए, बोलो कि आए हैं जीवन बदल नहीं आए, वो अलग चीज़ है। लोगों ने मना च इवें पाता कि यीशु धर्म बदलता है, यीशु धर्म नहीं वो जीवन बदलता, हुण लगता है धर्म बदलिया कि जीवन बदलिया, जीवन बदल गया। आप कोई धर्म की मोहर तो नहीं लगी तेरे मत्थे दे उत्ते शरीर से, कोई नहीं ना लगी, जिदा दे पहला सी उदा दे ही होने, कोई फर्क तो नहीं लग रहा, फर्क यही लग रहा कि जीवन मिल गया और शांति मिल गई, धर्म नहीं बदलिया। हाँ तो ये गल अपने सारे पिंड च अपने पेके परिवार च जिथे भी किते ये दसनी है गवाही, ताकि वह भी लोग बचाए जान। तैयार हो अज तो खुदावंद की महिमा करन दे लई दसन दे लई, यीशु मसीह सच्चा खुदा है, धर्म बदलने नहीं आया, वो जीवन बदल लई आया, क्योंकि तेरा जीवन और तेरे पति का जीवन बदल गया। ओके तो परमेश्वर तुहानू बहुत सारी बरकत दे चुके। ओके